अब आप जो है पछाड़ वाले अध्याय 2 का प्रश्नोत्तर देखें और उसको साथ साथ में लिख लें। हम बोल रहे हैं उसको आप लिखते जाएंगे अपने नोटबुक पे। तो पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है अध्याय 2 प्रश्नोत्तर नंबर 1, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। दीवानी, दीवानी को आप किससे मिलाएंगे? ये एक है, दो, यहाँ पे तीन लिखे, यहाँ पे चार लिखे, यहाँ पे पांच लिखे और यहाँ पे छह लिखे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 है। आपको सही मिलान करना है। आप इसको दीवानी का जहां पर जिससे मिलाएंगे वहां पर एक लिखेंगे, शेर मैसूर इसका जो सही होगा वहां पे दो लिखेंगे। इस तरह से आप मिलाएं, इस तरह से आप मिला लें। तो आप मिलाएंगे दीवानी को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। दीवानी को मिलाएंगे आप भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, ये है आपका, ये पहला हो गया। ठीक, दूसरा है शेरे मैसूर, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान, यहां पर आप दो लिखेंगे, यहां पर आप दो लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत, शेरे मैसूर दीवानी, अच्छा दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। पहला हो गया दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, दूसरा शेर मैसूर टीपू सुल्तान, तीसरा फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत को आप मिलाएंगे, इसमें कोई कम लिखा गया क्या? फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत, ये दो तीन चार पाँच छः, ये दो तीन चार पाँच छः, छः तो है। दीवानी को आपने मिलाया भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान दो हो गया, तीसरा हो गया फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत, अदालत, अच्छा इसको इससे मिला दें, रानी चेन्नम्मा कित्तूर, चौथा ये हो गया आपका, सिपाही सिपाही, पांचवा ये हो गया आपका, और वारन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये आपका छठवां हो गया। तो इस तरह से आप मिटा लेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटाएंगे। उसके बाद फिर आपका सही गलत रिक्त स्थानों का जो भरना है, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों का भरने, रिक्त स्थानों को भरने का जो दूसरा प्रश्न है उसको आप लिखेंगे। अब इसको हम मिटा रहे हैं। दो, दूसरे, दूसरे में आपका है रिक्त स्थान भरें, क्या है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भरें। तो दूसरे का क, इसमें आपका है क ख और ग घ, चार हैं।
तो इसको आप लिख लें, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत। ऐसा करते हैं, आपके पास किताब है तो हम आपको बता दे रहे हैं क में प्लासी भरा जाएगा, नहीं तो एक लिख लीजिए कर, दूसरे का कर, दूसरे का कह है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत, बंगाल पर अंग्रेजों अंग्रेजों की जीत, प्लासी, क्या बनेंगे प्लासी, बंगाल में अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, प्लासी की जंग से, प्लासी की जंग से बंगाल में अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, शुरू। आप इसको लिखते जाएंगे क्योंकि हम इसको मिटाते जाएंगे, आप जो है साथ साथ में लिखेंगे, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे, हम इसको मिटाएंगे। फिर अभी प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, शुरू हुई थी, शुरू हुई थी, प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, अब इसको हम मिटाएंगे। दूसरा, दूसरे का ख, दूसरे का ख, दूसरे का ख, दूसरे का ख क्या है, हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर हैदर अली, हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान, सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान यहाँ भी भरना है आपका, हैदर अली टीपू सुल्तान मैसूर, क्या भरेंगे मैसूर, मैसूर, यही आपका भरा गया है, मैसूर के शासक थे, मैसूर के शासक शासक थे, हैदर अली टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। चलिए अच्छा ठीक है, अब तीसरा वाला देखें, ग वाला, ग वाला है आपका, दूसरे का ग, ग वाला है आपका, डलहौजी ने विलय नीति, क्या भरेंगे डलहौजी, डलहौजी, डलहौजी ने, डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया, विलय नीति का सिद्धांत, विलय नीति, विलय नीति, विलय नीति का सिद्धांत लागू किया, का सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत
लागू किया है, लागू किया है। ठीक, ये आपका हो गया घ वाला। अब घ वाला भी देख रहे हैं, मिटा दे इसको, नहीं तो देख लीजिए घ वाला, घ वाला नहीं आ पाएगा आज तक। इसको आप मिटा रहे हैं ऊपर वाला, घर घर को देखें, घर घर है मराठा रियासतें, मुख्य रूप से मराठा रियासतें, मराठा मराठा रियासतें, रिया मराठा रियासतें, मराठा रियासतें मुख्य रूप से मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित थी। यही आपका भरा गया है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित थी, भाग में स्थित। ये आपका हो गया खाली स्थान यानी रिक्त स्थान। अब जो है आप तीसरा लिखें, इसको लिख रहे हैं तुरंत लिखें, मिटा रहे हैं इसको। अब आप जो है प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न तीन आपका है, सही या गलत बताएं। सही या गलत बताएं। सही या गलत बताएं। क ख ग घ चार हैं इसमें भी, क ख ग और घ, ग घ। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। मुगल साम्राज्य
सदी में, मजबूत होता गया, ये सही है। खा वाला है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने, भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र व्यापार करने वाली एकमात्र वाली वाली एक मात्र एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, यूरोपीय गलत है ये आपका। खा वाला गलत है, ग वाला देखें। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, महाराजा महाराजा रणजीत सिंह महाराजा महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। यह आपका सही। तो क वाला सही है, ख वाला गलत है, ग वाला सही है। उसके बाद रह गए हमने कब्जे नहीं किए अंग्रेजों ने अपने, अंग्रेजों ने अपने, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, कोई कोई शासकीय 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 बदलाव नहीं किए, बदलाव नहीं किए, शासकीय बदलाव नहीं
ये आपका बैलेंस है। तो इस तरह से आपका ये आपका मिलान हो गया और सही गलत हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी आपका ये प्रश्न पूरा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा। अब ये दूसरे वीडियो में आपका जो बच रहा है 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको फिर लिखाएंगे दूसरे वीडियो में। आप इतना ध्यान दें और इसको आप लिख लीजिए।